जय हिंद साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिलेबस, सभी लेकर आए हैं, थोड़ा वीडियो जो है बड़ा होगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहले सीरीज से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलेंगे। सीरीज जो है 3 तरह की होती है, एक होती है नंबर वाइज, एक होती है अल्फ़ाबेट, एक होती है अल्फा न्यूमेरिक। आप देख सकते हैं जैसे नंबर वाइज में नंबर दिया रहेगा, जैसे 2, 4, 8, 16, इसका अगला क्या आएगा इसका ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे अल्फ़ाबेट में जैसे दे दिया ए, इसका अगला क्या आएगा, जैसे दिया है बी 2, D 4, F 6, H 8, तो अगले 2, 4, 6, 8, 10, 10 किसका होता है ये आपको देना होता है। यहाँ पर भी ऐसा क्या है, 2, 4, 8 दुगुना हो रहा है 16, तो इसका अगला क्या हो जाएगा। तो जो भी हो ऐसे आता क्वेश्चन, जैसे यह अच्छा लिखा 8, इसमें जो है नंबर और अल्फाबेट दोनों मिला रहता है। देखिए एच का 8 होता है, एन का 14 होता है, तो पी का क्या होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो एनालॉगीज भी 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। इसमें भी लेटर वाइज आता है, नंबर वाइज आता है और वर्ड वाइज आता है। देखिए जो पी का संबंध के से है तो जी का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो पी जो के का उल्टा होता है तो जी का उल्टा क्या हो जाएगा, टी। तो इसी तरह 7 का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है, तो ये क्या 7 का क्यू है तो इसका भी 9 का क्यू 729। यहाँ पर देखिए वर्ड में जैसे आएगा यूपी का संबंध लखनऊ से है तो एमपी का संबंध आप बता सकते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट से इससे 6 से 8, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आते हैं अगला कोडिंग डिकोडिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही होंगे। सबसे पहला चैप्टर होता है रीजनिंग का, इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कई तरीके के क्वेश्चन हैं, 5-6 तरीके के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, आप देख सकते हैं। अगला है सेलोलिज्म जो है काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिला था, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लिखा है कि सभी किताब पेन है, ऐसे क्वेश्चन होता है सभी किताब पेन है, कुछ पेन स्याही हैं, कुछ पेन जो क्या है स्याही हैं, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको इसका आंसर देना होता है, जैसे कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है, ये सही हो जाएगा। सभी पेन किताब है, सभी पेन किताब है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सही, इस तरह से क्वेश्चन आता है सेलोलिज्म का। अगला है पासा, पासा से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन होते हैं पासा के, जो पुलिस में पूछा था, लेकिन जेल ऑर्डर फायरमैन में जो पासा क्वेश्चन आए थे थोड़ा सा कठिन आए थे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, उसका अलग थोड़ा टाइप था जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगला है मिसिंग नंबर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। 5 ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो आप लगाना सीखना होगा आपको। जैसे इसका कोई संबंध इससे होगा या इन दोनों का संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, कैसे भी क्वेश्चन रहता है। जैसे देख सकते हैं 2, 4 कितना हो गया 6, और 6 का दुगुना हो गया 3, 2, 5, 5 का दुगुना हो गया 10, इसी का 5, 3, 8, 8 का दुगुना क्या हो जाएगा 16, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फिर 2, 3, 5 कर दिया 6, 9, 15, 14, 16, 30, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला है वेन डायग्राम, इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस में। यहाँ पर देखिए पति पत्नी परिवार, तो कौन इसमें होगा, तीनों ऑप्शन में से पति भी हो, पत्नी है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं परिवार, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला है भिन्नता, जिसमें आपको अलग छांटना होता है, डिफरेंसियस, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी जैसे इसमें क्या रहेगा कि अलग पहचानिए, आम सेब आलू नींबू, तो आम सेब देखो फल है, आम सेब फल है, नींबू भी फल है, लेकिन आलू फल नहीं, जिसका आंसर जो होगा आलू हो जाएगा, आलू जो है एक सब्जी है। कथन निष्कर्ष पूर्ण धारणा से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा कठिन होता है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। अगला है वर्ड फॉर्मेशन, इसका मतलब है कोई वर्ड देगा, इसमें से पूछेगा कौन सा शब्द बनेगा नहीं बनेगा, जिस तरह देखिए ये ऑप्शन दिया है कि ये दिया है इसमें से कौन बनेगा, तो यफ इसमें मिलाएंगे, कौन संख्या इसमें है कौन नहीं है, तो यफ है, ए है, यस है, टी है, ई है, इसका मतलब पहला बनेगा, दूसरा जो है
एक्स जो दिया है इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखेंगे डायरेक्शन से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, रैंकिंग से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन से दो से तीन क्वेश्चन, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जोड़ घटाना जिसमें लिखा रहेगा सगुड़ा भाग करना होता है आपको, क्लाक से जो है और कैलेंडर से अगली साल आया था एक से दो क्वेश्चन, लेकिन क्लाक से क्वेश्चन अभी नहीं बना है, लेकिन बन सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। अगला है शब्दों को व्यवस्थित करना, ये दो से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आता है जैसे इसमें देखना होता है कि यस इसमें है, यस यस यस, आर 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 आर, ओ आई ए पी, तो देखेंगे इसमें कौन सबसे पहले आता है, ए जो पहले आता है तो एक नंबर पर हो जाएगा, दूसरा पर देखेंगे इसमें फिर ओ आई ए आएगा, दूसरा पर हो जाएगा, तीसरा पर ये हो जाएगा, चौथा पर ये हुआ, इसको अल्फाबेट के अनुसार इसको सजाना होता है आपको। अगला है फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग में लाइन पूछता है, त्रिभुज पूछता है, वर्ग पूछता है और आयत पूछता है, तीनों से चारों से क्वेश्चन आता है। अगला है दृश्य समृद्धि भेदन क्षमता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चित्र वाली जो रीजनिंग है काफ़ी अच्छी आती है, 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग जो चित्र के वाइज रहती है, चित्र जैसे ये वाले चित्र के अंदर आएगी, ये भी आएगी, इसमें पूछेगा कि कौन इसमें है जो घर है, सड़क है, बाजार है, चार, इसमें तीन से चार क्वेश्चन एक चित्र दिया रहेगा, आपको पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी वीडियो बना रहे हैं। जो अगला है चित्र वाली रीजनिंग जो कि यूपी पुलिस में पूछी जाती है, सबसे पहले है मिरर इमेज, जो कि मिरर के तरह से क्वेश्चन आते हैं, जो कि कोई भी चित्र रहेगा उसमें आपको मिरर बना देगा, तो इधर जो क्वेश्चन दिया गया इसको आपको देना होगा आंसर। वाटर इमेज ऐसे भी आता है, नीचे रहता है। अगला है कंप्लीशन ऑफ फिगर, इससे भी एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिगर के अंदर फिगर निकालना होता है कि कोई फिगर दिया रहेगा उसमें कहेगा कि ये फिगर किसमें दिया है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेपर कटिंग से एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर उसका क्लासिफिकेशन करना होता है, एक से दो क्वेश्चन भी मिलेंगे, बीबी से दो से तीन चार क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, जो कि अलग टॉपिक हमेशा एक नया टॉपिक लाता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं रहता है, ठीक है। एक आता है जैसे कोई चित्र दिया रहेगा उसमें का आधा भाग काट देगा, इतना काट देगा, कहेगा इसमें से कौन इसका पूरा करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आता है सीटिंग अरेंजमेंट से, क्वेश्चन छूट गया है, तो सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आता है, लाइन वाला बैठाने के लिए आता है और एक गोला वाला आता है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का, इसको भी आप देख सकते हैं, लिखना छूट गया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।